हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अज़रा खान फिटनेस। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अज़रा खान और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय वेट लॉस डाइट प्लान। टाइम एंड अगेन शेयर्ड विद यू ऑल दैट मैंने 25 केजीज ऑफ वेट लूज किया था इन अ स्पैन ऑफ 8 मंथ्स इन 2015 से लेके आज तक मैं अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ और मैं काफी कॉन्शियस रहती हूँ, हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ और काफी एक्टिव भी रहती हूँ। आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ व्लॉग्स विद यू ऑल जिसमें मैं शेयर करती हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, पर आज के वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी ऑन हाउ आई कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, किस तरह का खाना मैं ऑन अ डेली बेसिस खाती हूँ, बेसिकली व्हाट डाइट प्लान आई फॉलो टू मेंटेन माय 25 केजीज ऑफ वेट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द वीडियो एंड नोइंग कि मैं क्या खाती हूँ टू मेंटेन माय वेट, ऑल्सो इससे थोड़े से कम पोर्शन में सेम डाइट प्लान फॉलो करके आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। ऑलराइट गाइस, सो जैसे मैं अपने क्लाइंट्स और आप लोगों के लिए डाइट प्लान जब बनाती हूँ तो उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 3 मेन मील्स एंड 2 स्नैक्स। उसी तरीके से मैं भी अपना डाइट प्लान डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, 3 मेन मील्स एंड 2 स्नैक्स। आई स्टार्ट माई डे अर्ली इन द मॉर्निंग माई डे विद अ डिटॉक्स वाटर। अर्ली इन द मॉर्निंग आई ड्रिंक ईदर ACV वाटर या तो फिर क्यूमन सीड वाटर या सिनेमन वाटर, वट एवर आई फील लाइक हैविंग दैट डे आई डू दैट। 80% ऑफ द टाइम आई स्टार्ट माई डे विद अ डिटॉक्स वाटर, पर कभी कभी ऐसा होता है कि डिटॉक्स वाटर अवेलेबल नहीं है, मैं कहीं गई हूँ जहां पे इट इज नॉट पॉसिबल, देन आई ड्रिंक 1 लीटर ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर वाटर एंड स्टार्ट माई डे। नाउ लेट्स कम टू द ब्रेकफास्ट पार्ट। तो मैं अपनी डिटॉक्स वाटर और ब्रेकफास्ट के बीच में समवेयर बिटवीन 1.5 आवर्स का गैप रखती हूँ। इफ आई एम फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, इफ आई एम नॉट फॉलोइंग ऑन द डेज व्हेन आई एम नॉट फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं अराउंड 40 मिनट्स का गैप रखती हूँ बिटवीन माई डिटॉक्स वाटर एंड माई फर्स्ट मील। अगर मैं फास्टिंग फॉलो कर रही हूँ या नहीं फॉलो कर रही हूँ, आई मेक श्योर दैट आई स्टार्ट माई डे विद अ फ्रूट, और वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, बीट अ बनाना, अगर कभी एप्पल है तो एप्पल, पाइन एप्पल है तो पाइन एप्पल, कीवी है तो कीवी, वट एवर कम्स माई वे आई स्टार्ट माई डे विद दैट। के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। सो ब्रेकफास्ट मेरा बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रहती है, मोस्टली आई हैव एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। आई हैव 2 फुल एग्स ईदर कुक्ड इन ऑलिव ऑयल एंड उसके ऊपर मैं एक चीज ग्रेट कर लेती हूँ, अगर स्पिनच अवेलेबल है तो स्पिनच डाल के स्पिनच ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी ज्यादा हैवी कुछ खाने का मन है तो ओट्स ऑमलेट बना के मैं वो खा लेती हूँ। सो वैरायटी ऑफ एग्स, जो भी वैरायटी ऑफ एग्स मैं अपने ब्रेकफास्ट में रखती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे अवेलेबल नहीं है तो मैं इधर मूंग दाल चीला कंज्यूम करती हूँ या ओट्स चीला कंज्यूम करती हूँ, या तो फिर घर में अगर कोई पराठा बनाए या रोटी सब्जी वो भी मैं कंज्यूम कर लेती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द डेज मैं अपने ब्रेकफास्ट में एग्स ही कंज्यूम करती हूँ। द स्नैक पार्ट, कभी कभी स्नैक्स करने का मन करता है, कभी कभी नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई स्टार्ट माई डे विद अ फ्रूट, सो अगर मैंने किसी दिन फ्रूट से स्टार्ट नहीं किया है अपना रूटीन तो मैं अपना फ्रूट मिड मॉर्निंग स्नैक में कंज्यूम करती हूँ, या तो फिर अगर मुझे भूख लगी है मॉर्निंग स्नैक में आई टेक हैंडफुल ऑफ नट्स, समटाइम्स इट इज वॉलनट्स एंड आलमंड्स, समटाइम्स इट इज फिग्स एंड डेट्स, व्हाटएवर आई फाइंड अवेलेबल अराउंड मी मैं वो खाती हूँ। कभी कभी कुछ नहीं तो एक चम्मच चिया सीड्स में अपना डब्बा एक जार बना के रखती हूँ साइड में, तो वो मैं एक स्पून चिया सीड्स खा लेती हूँ। Why? Because omega-3 fatty acids बहुत ज्यादा important होते हैं हमारी functioning के लिए, heart health के लिए, हमारी skin और hair के लिए। I consume nuts on a daily basis. उसके साथ साथ I either have a cup of green tea और normal हल्का गुनगुना पानी एक lemon के साथ, कभी कभी कुछ भी नहीं, okay? तो it is not fixed, but कुछ जो जो scenarios हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देन लेट्स कम टू द लंच। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, रील्स शेयर करती हूँ जिसमें लंच मेरा मोस्टली घर का खाना होता है, टिपिकल जो घर में हमारे खाना होता है, दाल रोटी सब्जी सलाद अचार दही, ये सब कुछ होता है मेरी प्लेट में एंड दिस इज अ फुल फ्लेज्ड लंच जिसमें मैं रोटी एक रखती हूँ और अगर राइस खा रही हूँ तो मैं एक छोटी सी बोल रखती हूँ, उसके अलावा बहुत सारी सलाद दाल सब्जी और दही, कभी कभी अचार भी, मोस्टली अचार भी। दिस इज माई टिपिकल इंडियन लंच। नाउ लेट्स कम टू द इवनिंग स्नैक। इवनिंग में मैं एक कप चाय पीती हूँ, नॉर्मल चाय बट विदाउट शुगर, और उसके साथ साथ इधर है लैया, आई हैव मुरमुरे, आई हैव मखाने। मैंने क्विक स्नैक ऑप्शंस की एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, उनमें से कोई भी स्नैक मैं कंज्यूम करती हूँ अलॉन्ग विद माई टी, और समटाइम्स मैं कभी कभी एक या दो रस्क भी खा लेती हूँ, बहुत ही वंस इन अ वाइल, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। इफ यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज की इवनिंग टाइम में हमें चाय के साथ क्या स्नैक कंज्यूम करना चाहिए, आई हाईली रिकमेंड कि आप वो स्नैक वाला वीडियो जरूर देखें।
Now let's come to the dinner part. Dinner is going to be a little tricky because dinner में हमेशा ही कोशिश करती हूँ light रहे और मैं अक्सर अपना dinner खुद बनाती हूँ. जो घर में बना है वो नहीं खाती. तो either I prepare a soup, large bowl of soup, या तो फिर मैं कोई भी form of salad जो मैंने अपने channel पे भी share किया हुआ है, 4 different ways भी मैं share कर चुकी हूँ, उनमें से कुछ खा लेती हूँ. कभी कभी मैं दाल रोटी सब्जी भी खाती हूँ या और कभी कभी मैं चावल और दाल भी खाती हूँ विद सैलेड. तो अगर मेरा मन नहीं है या कभी कभी आई एम टू टायर्ड टू मेक माई ओन डिनर, आई हैव दोज ऑल्सो, पर बहुत रिड्यूस्ड पोर्शन में अगर मैं ये कंज्यूम कर रही हूँ. तो डिनर के अराउंड 1-1.5 घंटे बाद आई टेक जिंजर वाटर. स्पेशली आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड, माई एंटायर फैमिली हैज स्टार्टेड टेकिंग इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जिंजर वाटर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंजर वाटर से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल ख्याल रखोगे आप तो इट रियली हेल्प्स, बिकॉज जिंजर इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्पाइसेस विच हेल्प्स इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी. सो ये है मेरा ओवरऑल मैं क्या दिन भर में खाती हूँ. आई डू इनकॉर्पोरेट फ्रूट, आई डू इनकॉर्पोरेट नट्स, मेरे सब खाने में घी जरूर होता है. सो दीज आर द थिंग्स विच आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि ये जरूर मेरे डाइट में होना चाहिए, बिकॉज वेट लॉस के साथ साथ आई डोंट वॉन्ट कि मेरी स्किन या मेरे हेयर पे कोई साइड इफेक्ट्स आए. उसके अलावा पूरे दिन भर में मैं अराउंड 3-3.5 liters ऑफ वाटर पीती हूँ ग्रेजुअली पूरे दिन में स्प्रेड करके. एंड आई डेली ऑन अ डेली बेसिस आई डू 10,000 steps एंड उसके साथ साथ मैं कोई 20 मिनट का 5 days या 4 days a week हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ या वेट्स के साथ वर्कआउट करती हूँ एट होम. मैं कहीं भी फिलहाल जिम विम नहीं जा रही, सारा जो वर्कआउट होता है वो मैं घर पे ही करती हूँ. So this is my entire routine of how I lost 25 kgs and maintained it with this diet plan, simple diet plan. और उसके साथ साथ मैं workout भी करती हूँ. मैंने आपको बताया मैं किस तरह से active रहती हूँ. मेरे Instagram पे मैं अक्सर stories डालती रहती हूँ regarding my workouts and regarding the meals as well which I'm taking. तो आप मुझे वहाँ पे जरूर follow करें if you want to know more insights of what I do on a daily basis. With that I come to the end of this video. I hope you liked it. I hope this video was informative for you. If you did like this, then please give it a big fat thumbs up, subscribe to my channel before you leave, hit the notification bell as well so that whenever I upload a video, you get notified. I'll see you guys in my next one. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.